हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो ये रेडिएटर का टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो रेडिएटर के अंदर कूलेंट जो कूल होता है, तो उसके लिए हमने एक सेटअप बनाया। तो बेसिक मीडियम हमने वाटर यूज़ किया, पर हम यहाँ नैनो फ्लूड यूज़ करने वाले हैं। नैनो फ्लूड जिस काइंड ऑफ फ्लूड के अंदर एलुमिनियम का पार्टिकल्स रहेगा, यहाँ हम वो पुट करेंगे कूलेंट, उसको हीट भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीटर। ये हीटर उसके अंदर पुट रहेगा, तो उसके वजह से हम हीट कर पाएंगे उसको इस तरीके से। तो हीटर के वजह से ही हीट होगा, हीट होके पंपिंग होके ये घूमेगा इसके अंदर जाएगा, यहाँ से आउटलेट से। हम रोटामीटर से हम इसका फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ़्लो कितना है। फ्लो होने के बाद में इसके अंदर घूमेगा, वहाँ से एयर एग्जॉस्ट एयर बाहर फेंकने के लिए हमने फ़ैन लगाया जो डायरेक्ट सप्लाई पे चलता है, और से मैं यहाँ से आउटलेट में वापस अंदर जाता है। इसका बेसिक सेटअप है। इसका मेन फंक्शन वही है कि अगर नैनो फ्लूइड यूज़ करेंगे तो कितना टाइम लगता है कूलेंट को कूल होने के लिए। तो ये कंसेप्ट है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो दोस्तों, हमने अभी एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, यहाँ हमने एक वॉल लगा दिया। इसका मेन पर्पज़ है वॉल का, आप देख पा रहे होंगे रोटामीटर का भी जो फ्लो है, देखो पूरा 100% है। तभी हम इसको एडजस्ट करते, देखो 100% अभी इसको ये वॉल से एडजस्ट करते। तो देखो, इसको मैंने हाफ से और नीचे किया, कम हो गया। अभी वाटर का जो फ्लो जा रहा है वो हम एडजस्ट करेंगे। अभी अप्रॉक्स 5 LPM लीटर पर मिनट पानी ऊपर नीचे जा रहा है, इसमें और कम करेंगे। देखो डाउन हो गया 3। अब आपकी तरफ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो अभी 100% फ्लो जा रहा है, अभी लीक नहीं है कोई भी किधर, सिर्फ यहाँ छोटा सा एक लीक है। तो इसको लीक प्रूफ है ना, यहाँ से एक थोड़ा सा लीक आ रहा है, वो भी ज़्यादा नहीं। इसको अगर और दबा के लॉक करेंगे तो वहाँ से लीक भी निकल जाए। बेसिक कहीं भी लीक नहीं है अभी।